इंस्पेक्टर साहब ले जाए इन लोगों को। चलिए चलिए। थैंक यू बाबा जी, फाइनली पूर्वी की सच्चाई सबके सामने आ गई। अब कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करेगा और वो पापा जी को ब्लैकमेल नहीं कर पाएगी। आई कांट बिलीव इट, ट्विंकल ने एक बार फिर से मेरा प्लान बर्बाद कर दिया। आई जस्ट होप कि इसकी वजह से अब कुंज और ट्विंकल एक दूसरे के नजदीक ना आ जाए। इन दोनों को अलग करने के लिए मुझे कुछ नया सोचना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी एवरीवन, अभी जो कुछ भी यहाँ पे हुआ उसके लिए हमें खेद है, लेकिन एज वी नो द शो मस्ट गो ऑन, सो अभी हमारा नेक्स्ट राउंड 16 श्रृंगार शुरू होने जा रहा है। सो सभी कंटेस्टेंट्स स्टेज के ऊपर आए। मेरा इस कॉन्टेस्ट में आने का मकसद पूरा हो गया कुंज, अब मेरे यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं है। आई होप कि आज तो तुम अपनी नाराजगी भूल कर मुझसे बात कर लोगे। आई मिस यू कुंज। मुझे अब इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करना। ओह आई सी, तू ये सब इसलिए कर रही है ताकि तू सबके सामने महान बन जाए और मैं शैतान। मैं जानता हूँ तेरा प्लान क्या है, सबको बताना चाहती है कि तेरा पति तुझे सपोर्ट नहीं करता, कि कितना मीन हूँ मैं, कितना सेल्फिश हूँ मैं। नहीं नहीं कुंज, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, बस मेरा मन नहीं है। और तुम भी तो ये चाहते थे ना कि मैं इसमें पार्टिसिपेट ना करूँ। अच्छा, इतनी फिक्र होती ना तुझे मेरी विशेष की तो तू पहले ही पार्टिसिपेट नहीं करती समझी। पर ऐसे बीच में छोड़ के जाना इज नॉट, माही के लिए तू पार्टिसिपेट कर रही है ना इसमें। लेकिन कुंज, एक तुझे अपनी रेपुटेशन की फिक्र हो ना हो, मुझे अपनी बीवी की रेपुटेशन की पूरी फिक्र। आ जा वे सजना, रूह में शामिल तुझे कर लूं सजना। चल दिखा दे इन्हें कि हम भागने वालों में से नहीं। तो अब आप लोगों के पास 5 मिनट का वक्त है अपनी अपनी बीवियों का 16 श्रृंगार करने के लिए, और जो कोई सबसे पहले श्रृंगार पूरा करेगा वही होगा इस कॉन्टेस्ट का विनर। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब सिर्फ 30 सेकेंड बचे हैं।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, time up. और सबसे पहले जिसने श्रृंगार राउंड को खत्म किया है वो है मिस्टर कुंज सरना। अरे मुबारक जिंदे रो पुत्र, वो साड़ी वाला राउंड तो वदिया था। लोकल न्यूज चैनल में जब देखा मैंने तो मैं तो घबरा गई कि कुंज तेनू साड़ी कैसे पहनाएगा। लेकिन वाह पुत्र, तूने तो कमाल कर देता, क्या साड़ी पहनाई है तूने ट्विंकल को। बेबे वो ट्विंकल बोलती गई क्या करना है और मैं करता क्या। पति पत्नी का रिश्ता तो होता ही ऐसा है पुत्र, एक दूसरे का साथ मिले ना तो सारी मुसीबतें पार हो जाती हैं। और वाहेगुरु ने तुम दोनों की जोड़ी बहुत खास बनाई है ना। अरे वो देखो माही और यूवी भी आ गए, आजा पुत्र। इस बार इन दोनों को अलग करने का मेरा प्लान फेल हो गया, लेकिन एटलीस्ट ये अच्छा है कि माही के हारने से उसके और ट्विंकल के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। क्या बात है पुत्र, तू इतनी उदास क्यों है? हार जीत तो लगी रहती है, और भी तो राउंड बाकी है। सगी बहन से ही तो हारी है, उसमें क्या दुख करना। चल मुस्कुरा दे ना। हाँ ये हुई ना बात, मैंने तुम लोगों के लिए खीर बनाई, अभी लाते हो। चल उषा। माही वाह, क्या नौटंकी करते हो यार तुम दो, प्यार वो भी तुम दोनों के बीच में, क्या बेवकूफ बना रहे हो दुनिया को। सुपर, आज तक तुम दोनों के बीच में पति पत्नी का रिश्ता बन ही नहीं पाया, और ये शादी सिर्फ टशने शादी है। नहीं बस एक प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम चिंकी? तू ना थोड़ी सी मोटी हो गई है। तेरी कमर, बस वो साड़ी वाले राउंड में ना। सच्ची चिंकी, मैं मोटी हो गई हूँ? अब मैं कंपटीशन के फाइनल राउंड से पहले इतनी जल्दी वेट कैसे लूज करूँ? क्यों पतली होगी? तेरी कमर तो एकदम परफेक्ट है, मेरी बाहों में एकदम परफेक्टली फिट आती, कोई पतली नहीं हो रही। मतलब मुझे नहीं लगता कि तूने वेट पुट ऑन किया, यू नो। मैं चेंज कर गया। अब अगर जीजू कह रहे हैं कि तेरी कमर उनकी बाहों में परफेक्टली फिट होती है, तो मैं कौन होती है कुछ बोलने वाली। शट अप चिंकी, अगर तूने एक शब्द और बोला ना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चुप कर जा। वैसे एक बात बता कि चल क्या रहा है। तू और जीजू टीवी में, तुम दोनों की केमिस्ट्री इतनी परफेक्ट लग रही थी। चुप करना, कुछ भी बोलती है आजकल तो। बस ओह माय गॉड, ब्लशिंग हाँ, ओह क्यूट चिंकी। अब बस बहुत हो गया। क्या कर लेगी तू, बोलना बोलना। इतनी पतली कमर है तेरी, बोलना। पतली कमर? अरे तेरी कमर, अरे रुक तो सही। युवराज, युवराज वो मुझे ऑइंटमेंट लगा दोगे प्लीज? आज साड़ी वाले राउंड में पिंच भी थी ना, तब से अब तक दर्द हो रहा है।
एक तो पहले ही जबरदस्ती इस चश्मिश के साथ प्यार का नाटक करना पड़ रहा है, ऊपर से अब इसकी सेवा भी करूं। बुरा फंस गया मैं तो। युवराज, ये ऑइंटमेंट नहीं है क्या? ये तो बहुत जलेगा ना। एग्जैक्टली, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुझे बहुत दर्द हो, इतना दर्द हो कि तेरी बहन तुझे देख देख कर तड़पे, रोए, भीख मांगे मेरे आगे। हाँ जान, थोड़ा दर्द तो होगा ना। अब देखो, ऑइंटमेंट है नहीं तो उसकी जगह कुछ तो लगाना पड़ेगा हमें। ठीक है, लगा दो। माही, माही, ये ऑइंटमेंट चाहिए ना, बहुत दर्द हो रहा है। आ, मैं लगा देती हूँ। नो थैंक्स। माही की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं युवराज रुथरा उसका पति हूं ना, यहाँ पे उसकी केयर करने के लिए। माही वैसी बहुत स्ट्रेस में है, प्लीज और उसे स्ट्रेस मत दे। जान, आई नो ये मेडिसिन थोड़ी तेज है, लेकिन इससे तुम जल्दी रिकवर जाओगे। ट्रस्ट यू युवराज, तुम मुझे यही वाली दवाई लगा दो। बाबा जी, प्लीज मेरी मदद करो ताकि मैं किसी तरह माही को यूवी का असली चेहरा दिखा सकूं, बता सकूं उसे कि यूवी बहुत बड़ा साइको और सिर्फ उसका फायदा उठाना चाहता है। से आई है, लगता है फिर से माही से कोई बात हुई, तभी परेशान लग रही है। मैं भी ना एक नंबर का इडियट हूँ। आई नो ट्विंकल जो भी कर रही है सिर्फ माही के लिए कर रही है, फिर भी मैंने उसके साथ रूडली बिहेव किया।
गैकुंज उठो। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? वो बाहर बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं। आज ठंड है ना थोड़ी ज्यादा। ठंड लग रही है, तू ये ले ब्लैंकेट ले। मुझे अपना ब्लैंकेट क्यों दे रहे हो? तूने तो कहा ठंड लग रही है, ले ओढ़ ले। तुम मुझे अपना ब्लैंकेट दे दोगे तो तुम कैसे सोओगे? मैं ठीक हूँ, मैं मुझे वैसे ज़्यादा ठंड नहीं लगती। नहीं मैं एक्चुअली मैं ये कह रही थी कि क्या क्या तुम समझ जाओ ना। कुछ बोलेगी तो मैं समझूंगा ना ट्विंकल। हाँ हाँ तो मैं कह रही हूँ ना कि ठंड है तो तुम बेड पे सो जाओ। व्हाट? मैं बेड पे सो जाऊँ और तू सोफे पे सोएगी? नहीं आई मीन क्या ट्विंकल, तुझे आदत नहीं है सोफे पे सोने की। मैं ठीक हूँ, तू जाके कंफर्टेबली सो जा। ये लड़का कुछ समझता क्यों नहीं है? क्या कहना चाह रही? अब तू अकेले में क्या बड़बड़ा रही है ट्विंकल आधी रात को? अरे मैं ये बोल रही हूँ कि ठंड है तो मैं बोल रही हूँ कि तुम चाहो तो मेरे साथ बेड पे सो सकते हो। मैं और तू एक साथ बेड पे? तुम बेड पे सो सकते हो लेकिन एक तरफ तुम एक तरफ मैं, ऐसे मतलब मैं तुम्हें समझाती हूँ। बेड पे ऐसे ये मैंने बॉर्डर बना दिया ना, तुम बेड पे सो जाओ। ट्विंकल तुझे बुखार वुखार तो नहीं है ना? तू मेरे साथ बेड शेयर करने की बात कर रही है? शेयर नहीं, मैंने बॉर्डर बनाया ना कुंज, और अगर तुम ठंड में सोओगे तो तुम बीमार हो सकते हो ना। तुम्हें जुकाम वुकाम हो गया तो तुमसे मुझे हो जाएगा, और मेरा भी बीमार पड़ने का मूड नहीं है, इसलिए तुम बेड पे सो जाओ। ये मेरी साइड है, तुम उस साइड सो जाओ। गुड नाइट।
सोते हुए कितनी प्यारी और भोली लगती है, किसी छोटे बच्चे की तरह, इनोसेंट सी, क्यूट सी। लेकिन उठते ही ना इसका सारा स्यापा क्वीन मोड ऑन हो जाता है। खुद तो हर बार फंसती है, मुझे भी फंसा देती है।